जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होटों को करके गोल, होटों को करके गोल, सीटी बजा के बोल, ऑल इज वेल। मुर्गी ना जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। तो होट घुमा, सिटी बजा के बोल, भैया ऑल इज वेल। अरे भैया ऑल इज वेल, अरे पगले ऑल इज वेल, अरे पगले ऑल इज वेल। तो जी वेलकम बैक टू माई चैनल, हाय चैनल। तो जी हम आ गए हैं और हम आज क्या लेके आए हैं, और आप लोगों की रिक्वेस्टेड पे तो हम प्रस्तुत करने वाले हैं आप लोगों के लिए करियर रीडिंग। जी हाँ, सही सुना आपने दोस्तों, करियर रीडिंग। आप लोगों की फरमाइश पे आज हम लेकर आ गए हैं फाइनली करियर रीडिंग। जी हाँ दोस्तों, इसमें दो पाइल रहेगी जिसमें आपको चुनना होगा। पाइल में से कोई भी आप लोगों के मन मुताबिक आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, जो हम आपको पाइल बताएंगे। उसके बाद आपको अपनी रीडिंग पे जाके क्लिक करके देख लेना है आपकी अपनी करियर रीडिंग। जी हाँ दोस्तों, अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की करियर रीडिंग। तो ये रहे आपके पाइल्स, ठीक है। ये क्या बोलते हैं इसको, स्टोन है, ये स्टोन है, ठीक है। और ये है लेमन येलो कलर का स्टोन जो कि पाइल नंबर 1 रहेगा, और ये रहेगा ऑरेंज कलर का स्टोन जो कि पाइल नंबर 2 रहेगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ये 1 है, ये 2 है। और हम बिना किसी देरी के आप लोगों की रीडिंग करते हैं और चेक करते हैं करियर रीडिंग, जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था। तो पहली पाइल ये जिन्होंने ये चूज़ किया था उनके लिए ये रीडिंग है। तो देख लेते हैं आप लोगों की करियर रीडिंग में क्या आ रहा है, ठीक है। तो हम लाइट सीयर्स टैरोटेक में से कुछ कार्ड्स लेंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं करियर रीडिंग, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे हम लेकर आ गए हैं बिना किसी देरी के। हमने कल ही जो है लोगों ने क्रश की रीडिंग्स के कमेंट में भी बोला था प्लीज़ करियर रीडिंग। तो नाउ आई एम बैक विथ करियर रीडिंग, ठीक है, आप लोगों की फरमाइश पे। तो चेक करते हैं और पाइल नंबर 1 के लिए देख लेते हैं करियर रीडिंग में क्या आ रहा है। ठीक है, आप लोगों की एनर्जीज हमने ग्रैब कर ली है। अब देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए करियर से रिलेटेड। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। पाइल नंबर 1 वाले काफ़ी कंफ्यूज है, करियर ठीक से करियर के चुनाव में काफ़ी कंफ्यूजन है। तो ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली 12th की हो, और अभी कौन सा स्ट्रीम लेना है, क्या करना है, उस मामले में जो है ये लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बेसिकली जैसा कि हम देख पा रहे हैं पाइल नंबर 1 वाले मतलब काफ़ी इनका फ्लक्चुएट होता रहता है। ये एक करियर पे ना ठीक से टिक नहीं पाते हैं। सबकी सुनते हैं बहुत ज़्यादा कि ये कर लो, वो कर लो, अरे जो आपका मन है ना वो कीजिए, ठीक है। लोगों की सुनेंगे तो फिर हमारे जैसी हालत हो जाएगी। सबकी सुनते सुनते क्या जो भी है, देखते हैं क्या आ रहा है आपके करियर में, और यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, ठीक है, देखते हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है आप लोग पाइल नंबर 1 वाले, ठीक से करियर 2 कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, हैंग्ड मैन है यहाँ पे, लाइट सीयर्स का आर्ट वर्क बहुत बहुत खूबसूरत है। देखिए
स्टक तो हैं आप लोग इतना ज़्यादा, मतलब भेड़ जाल में, ये जो पाइल नंबर वन वाला है ना, ये लोग भेड़ जाल में, मतलब जो सब कर रहे हैं हम भी वो कर लेते हैं मतलब अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, सबकी सुनते हैं और दूसरे लोग जो बोल रहे हैं वो करेंगे, अपना जो है जो भेड़ चाल होता है ना, जो सब कर रहे हैं तो हमको भी ये कर लेना चाहिए, अच्छा इसमें ज़्यादा स्कोप है, अच्छा तू भी ये कर रहा है ठीक है तो हम भी ये कर लेते हैं। अरे अपना थोड़ा माइंड लगाइए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए ठीक है। ऑप्शंस बहुत हैं करियर में, कोर्सेज भी बहुत हैं ठीक है, अनलिमिटेड हैं, बल्कि आप लोग अगर मतलब हर किसी के लिए हर तरह के का कोर्स अवेलेबल है, तो किसी और का सुनने की आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो कीजिए ना। हैंग्ड और ये एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रखा है यहाँ पे, देखते हैं। ज़्यादातर ये पाइल नंबर वन वाले ना पक्का स्टूडेंट है और ये अपने करियर में बहुत ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएट इनका होता रहता है, कभी लॉ पढ़ लेते हैं, कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी टीचर बन जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, एक चीज़ में ये लोग टिकते नहीं है पाइल नंबर वन वाले। मल्टीटास्किंग, देखते हैं कि गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से और आप लोगों को क्या जानने की आवश्यकता है करियर से रिलेटेड ठीक है। इतना स्टफ एनर्जीज है, देखिए कार्ड भी नहीं आ रहे हैं ना शफल करने के बाद भी। बहुत सारे कार्ड्स हैं आपको पता है, तीन कार्ड जैसा आता है तो हम नहीं लेंगे ठीक है। दो कार्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आया है, नाइट ऑफ कप्स भी आया है ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग जो पाइल नंबर वन चूज़ किया है, ये लोग अब्रॉड पढ़ने जाना चाहते हैं आप लोग, अगर ऐसा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी आपका मन है, तो ज़्यादातर ये पाइल नंबर वन वाले वो हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं या अपनी सिटी से अपना मतलब अपने एरिया में रह के जो है ये पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, ये थोड़ा दूर जाके करना चाहते हैं, दूर अपना जो है करियर बनाने का सोच रहे हैं ठीक है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपके जो है लोकेशन आपका जो है वो चेंज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है ठीक है। देखते हैं पाइल नंबर वन वाले, सारे कार्ड्स हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे ऑलरेडी है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमने देखा और उस बहुत सारे कार्ड्स थे इसलिए हमने लिया नहीं ठीक है। एक कार्ड आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल बहुत सारे लोगों के बाहर जाने के चांसेस हैं ठीक है, रीलोकेशन का यहाँ पे सिनेरियो है बहुत। आगे देखते हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं नीचे गिरे हैं, तीन कार्ड्स गिरे हैं, स्ट्रेंथ था वैसे, अगर आना होगा तो आ जाएगा। करियर रीडिंग से रिलेटेड अगर आप पूछ रहे हैं तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से एक ही गाइडेंस जो है वो हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप लोग बहुत स्टक हैं, आप लोग अपना कोई डिसीजन ठीक से बना नहीं पा रहे हैं कि आपको लाइफ में करना क्या है करियर से रिलेटेड ठीक है।
सेवन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें और नज़र आ रही है कि आप लोग जो पाइल नंबर वन चूज़ किया है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसको करने के लिए शायद कोई आपको रोक रहा है और आप उसके लिए अपने मन को मार रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे जो चीज़ अगर आप करना भी चाहते हैं ना, उस पर किसी की मनाही है और उस चीज़ की वजह से आप अपने काफ़ी ड्रीम्स को काफ़ी हद तक मार रहे हैं और दूसरों की भी आप सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हमें दिखाई दे रहा है कि जो आप करना चाहते हैं वो आपको करने दिया नहीं जा रहा है। तो उसकी वजह से आप लोग ऐसे स्टक हैं कि अगर हमारी नहीं तो किसी की नहीं। और अगर 11-11 देखा हमने, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके मन का नहीं करने दिया जा रहा है, तो आप जो आपको रोक रहा है आप उनके मन का भी नहीं करेंगे। चेक करके बताते हैं हम एक मिनट। हालांकि बहुत ज़्यादा माइंड आपका बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड इन द सेंस कि इतना करियर ऑप्शंस में आप जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि करना क्या है, लेकिन जो आपका मन है वो आपको नहीं करने दिया जा रहा है। ठीक है, एक कार्ड आया है, टू ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी लंबे समय तक आपने इस एक ख्वाब रहा है आपका ड्रीम रहा है कि आप वही करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बहुत पता नहीं, ऐसा लग रहा है हमें कि पाइल नंबर वन जिन्होंने चूज़ किया है क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, क्रिएटिव इन द सेंस जो ज़्यादा क्रिएटिव काम करते हों, जिनका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक ज़्यादा नाता ना हो। यहाँ पे जो पाइल नंबर वन वाले हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लोग एक्टर्स हो सकते हैं, थिएटर आर्टिस्ट हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, और कुछ भी ऐसा जो क्रिएटिव हो, लाइक फ्लावर अरेंजमेंट करना किसी को पसंद हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। कुछ फूलों से रिलेटेड आपको कुछ करना है, हॉर्टिकल्चर टाइप, और कोई बोटैनिकल गार्डन टाइप कुछ आप क्रिएटिव करना चाहते हैं, कोई नर्सरी टाइप आप ओपन करना चाहते हैं जिसमें आप अपने मन मुताबिक प्लांट्स वगैरह जो है सेल करें, और एक्सेसरीज हो सकती हैं, ठीक है, जो कि आप चाहते हैं कि आपका अपना ब्रांड हो और आप अपने एक्सेसरीज जो है ऑनलाइन या बेसिकली यहाँ पे क्रिएटिव लोग दिखाई दे रहे हैं, फैशन ब्रांड जिसका अपना होना चाहिए, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनर, ठीक है, अपना खुद का ब्रांड, शूज़ बनाना, डिज़ाइनर, ज्वेलरी डिज़ाइनर, ठीक है, अपैरल डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, और आर्टिस्ट जो होते हैं, पेंटर वगैरह, क्रिएटिव फील्ड के हैं पाइल नंबर वन वाले, क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हैं, और इनको जो है क्रिएटिव फील्ड के जो ऑप्शंस होते हैं आपको आपका लोकेशन चेंज करने को ही बोलता है। अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको अपना जो जहाँ पे आप रहते हैं वो छोड़ के आपको कहीं और जाना पड़ेगा। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो, फैशन डिज़ाइनिंग हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, आर्किटेक्चर हो, मतलब लोकेशन चेंज यहाँ पर है, कुछ ऐसा क्रिएटिव आप करना चाहते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ अगर बनना चाहते हैं तो उस पर आपको जो है कुछ लोग मना कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से
आप लोग काफ़ी सैड हैं, आपकी एनर्जीज ऐसी आ रखी हैं, ठीक है, और आप वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि भाई हम अपना करें। तो पता नहीं, अब देखिए ना, थ्री इडियट्स का गाना गाया हमने और यहाँ पर रीडिंग भी ऐसी निकल कर आ रही है, वो फरहान कुरैशी वाली, यानी आर माधवन का जो कैरेक्टर था उसमें उनको बनना फोटोग्राफर था, लेकिन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का उनको शौक था उस मूवी में, और कर क्या रहे थे वहाँ पर, इंजीनियरिंग कर रहे थे। फाइल नंबर वन वाले, प्लीज़ बताइएगा कितना रेजोनेट हो रहा है आपसे, ठीक है, हमें जानना है कि वाकई आप लोग कुछ तो ऐसा है जो आपका एक सपना रहा है, ठीक है, सिंगिंग, डांसिंग, यूट्यूब चैनल, ब्लॉगिंग, कुछ ऐसा आप करना चाहते हैं अलग, ठीक है, लीक से हटके, जो शायद आपके अब तक आपके पूरे जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें किसी ने ना किया हो, आप कुछ ऐसा अलग करना चाहते हैं, लेकिन वो करने से आपको रोका जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज हैं। लेकिन एक बात हम बताएंगे कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की, ठीक है, ये हमको किसी ने बोला था, हमारी दीदी हैं उन्होंने हमको बोला था एक कि मिनी सुन सबकी पर कर अपने दिल की, तो हमें वही बात याद आती है और बहुत अच्छा लगा था जब उन्होंने हमें ये बोला था। उनको पता है कि पूरी ज़िंदगी बस सुनने में ही निकाल दी है इन्होंने, अब तो खैर वो टाइम भी नहीं रहा है कि हम अपने दिल का कुछ करें, पर सुनते सुनते आधी ज़िंदगी निकल गई है और बाकी की भी निकल ही जाएगी। खैर देखते हैं क्या आ रहा है। गाइडेंस के तौर पे यूनिवर्स ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज ऐसी स्टक है, यूनिवर्स भी उनकी हेल्प करते हैं ना जो खुद की हेल्प करना चाहते हैं, आप लोग तो बस लटके हुए हैं, बैठे हुए हैं, कुछ एक्शन नहीं ले रहे आप, हालांकि यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें यहाँ पे दिखाई दिया था, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स के टावर जैसा कि हमें लगा था। देखिए आप जो भी करेंगे, जो भी आप करेंगे और जो भी आप करना चाहते हैं, आपको उसमें खुशी मिलनी चाहिए, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ये है कि खुशी उसमें आपको आत्मसंतुष्टि आपको होना चाहिए, किसी और को नहीं है। किसी और की वजह से आप अपने सपनों को मारेंगे ना तो आपका लाइफ में ये टावर, आप मतलब जब तक आप दुनिया में रहेंगे आपको यही तकलीफ देगा कि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई इनिशिएटिव लिया नहीं और कुछ किया नहीं। हालांकि शायद आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हो सकता है कि आपको जो है एक फ्रेंड्स का सपोर्ट हो, किसी का भी सपोर्ट हो, लेकिन आप अपने एक अलग डर के वजह से, या शायद आपको इन लोगों का भय है जो आपको करने नहीं दे रहा है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, इन लोगों के भय की वजह से या सोसाइटी के भय की वजह से आप अपने सपनों को कुचल देंगे और फिर ज़िंदगी भर आप इसी एनर्जी में रह जाएंगे, स्टक, एट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, हैंग्ड मैन। डिसीजन आपका है, यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं कि आप अपना डिसीजन लीजिए, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है आप, ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि आप, यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस है कि आपको अपना डिसीजन खुद बनाना है, कोई आपका डिसीजन आके लेगा नहीं। करियर रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो इस पे अमल करने का भी आप में हौसला होना चाहिए, सिर्फ करियर रीडिंग देख लेने भर से जो है चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी, आपको खुद भी इनिशिएट लेना होगा। एक कार्ड और लेंगे हम, ठीक है, फाइल नंबर वन के लिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, एक कार्ड दीजिए, और यहाँ तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, हम नहीं लेंगे, देख लीजिए बहुत सारे कार्ड्स हैं, एक कार्ड और। दो कार्ड आए हैं, ठीक है, एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस,
ब्यूटीफुल। देखिए यूनिवर्स की गाइडेंस यही है, जो आपका दिल कहता है, जो आपका आपका इंट्यूशन जो कहता है, आप वो कीजिए। क्या चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं आप? क्रिएटिव तो आप हैं ही, और हाई प्रिस्टेस का कार्ड है तो जाहिर सी बात है आप बहुत क्रिएटिव हैं। मन में आपके काफ़ी चीज़ें, बहुत मल्टीटास्किंग पीपल आप लोग हैं, मल्टी टैलेंटेड है, काफ़ी कुछ है आप लोगों में। और फोर ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है, तो जब तक वो चीज़ आप, वो बैगेज आप रिलीज़ नहीं करेंगे ना, तब तक करियर आपका स्टक रहेगा। क्योंकि यहाँ पर एक्शन के कार्ड्स आए हैं, आपकी तरफ कुछ आ रहा है ऐसा भी है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, तो जाहिर सी बात है आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन उनको लेने का, ग्रैब करने का जो हौसला है वो आप में होना चाहिए, बैठे बैठे ही बिठाए। आप लोग अगर ऐसे ही सब अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते जाएंगे, ये सोच कर कि घर वाले करने नहीं दे रहे हैं और आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो फिर तो पूरी ज़िंदगी ऐसी निकल जाएगी आपकी। फोर ऑफ पेंटिकल्स तो इस पोजीशन में इतना अकड़ के, इतना अपने आप को, अपने सपनों को मार के, अपने मन में वो बैगेज लेकर बैठने से अच्छा है कि आप लोग जो है, देखिए एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ आपके फेवर में हो ऐसा नहीं होता है कई बार, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ज़िंदगी भर आपको ये अफसोस ना हो कि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ किया नहीं। एटलीस्ट आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, ठीक है, इनिशिएटिव लेना चाहिए। फरहान कुरैशी याद है आपको, थ्री इडियट्स, वो बोल नहीं रहा था, लेकिन उसके दोस्त ने एटलीस्ट बोला जाके उसके फादर को कि इसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक़ है, देखिए कितना अच्छा किया है। फिर वही फ्रेंड उसको हिम्मत देता है कि जाके बात करो और तुम्हारा जो मन है तुम वो करो, क्या इंजीनियरिंग के यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वही होता है ना, वो हिम्मत आप में होनी चाहिए कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसके लिए लड़ें, उसके लिए फ़ाइट करें। तो यहाँ पर तो कार्ड ही ऐसे आए हैं कि आप तो स्टक हैं, हालांकि नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने सपनों को मार रहे हैं, पेन में हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं आपके अधूरे रह गए हैं, वो दिखाई दे रहा है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो देखिए, अभी तो आपकी जस्ट आपका लाइफ शुरू हुआ है, तो अभी से आप ट्राई करेंगे तो बहुत जल्दी आप लोगों को जो है आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर जो लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो काफ़ी उम्र में बड़े हैं और ये सोचते हैं कि अपने सपनों को मार के अपना टाइम वेस्ट हो रहा है उनका, तो देखिए ये सोचते सोचते बस ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी और फिर आप बिल्कुल, हमारी एनर्जी है सच बताएं तो, आप लोगों से हम कुछ छुपाने का मन नहीं करता हमारा, ये पायल हमारा ही पायल है। यूनिवर्स बता रहे हैं कि अपना जो आपका दिल करता है वो कीजिए, ठीक है, करने नहीं दिया जा रहा वो अलग बात है, लेकिन आपका जो दिल करता है वो कीजिए, ठीक है। गाइडेंस आपकी यही है कि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, अपने अपने दिल की सुनिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए, जो आपका मन करता है वो कीजिए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे पाइल नंबर वन वालों का यही गाइडेंस आया है कि अपने सपनों को मारिए मत, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना रेजोनेट हुआ है, कुछ खास हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, ठीक है। करियर रीडिंग में बस इतना ही पता चल रहा है कि आप लोग स्टक हैं, आप पाइल नंबर वन वाले बहुत स्टक हैं और इनकी एनर्जीज ऐसी हो रखी हैं कि ये बस आधा टाइम सोचने में ही बिता रहे हैं, क्या ही करें, दुख होता है, हमें सच पता है ना, दुख होता है, पर क्या कर सकते हैं। पाइल नंबर वन वाले, ये थे आपकी रीडिंग, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको आएंगी पर आप मिस कर देंगे, ऐसा भी हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि थोड़े कमज़ोर हैं आप लोग, मतलब लड़ना, थोड़ा स्ट्रेंथ का कार्ड आते आते वो हुआ, स्ट्रेंथ नहीं है आप लोगों में, इसलिए वो कार्ड आया नहीं, ठीक है।
ठीक है, अब देखेंगे हम लोग पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग, ठीक है, और गाइडेंस पाइल नंबर 1 वालों की यही रहेगी कि अपने दिल की सुने एक बार, ठीक है, कोशिश कीजिए जो आपको अच्छा लगता है वो करने का, दूसरों के भीड़ चाल में या दूसरों की बातों में ना आए, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस है आप लोगों के लिए करियर रीडिंग में। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने ये ऑरेंज कलर का स्टोन चूज किया है, ठीक है। देखते हैं पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग चेक करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेशेंटली पाइल नंबर 2 वालों को बहुत पेशेंटली वेट है, कुछ अप्लाई किया है आप लोगों ने, कहीं पर कोई जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया है शायद आपने, और आप लोग उसका वेट कर रहे हैं रिजल्ट आने का, या कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है अगर, तो आप लोग बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं। कुछ लोग कॉलेज एडमिशन्स के वेट कर रहे हैं कि उनका नाम आता है कि नहीं, ठीक है, कुछ लोग ने कुछ जॉब अप्लाई किया है वहाँ से कोई कॉल बैक आता है कि नहीं उसका वेट कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू कॉल्स का वेट कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर पाइल 2 वाले वेट कर रहे हैं। देखते हैं ये आपकी तरफ क्या आ रहा है, ये 3 कार्ड्स, ये सारे कार्ड्स तो नहीं लेंगे, आपको पता है चिपकते ही आ जाते हैं, तो पाइल नंबर 2 बस बताइए, पाइल नंबर 2 वालों के लिए 2 कार्ड आए, पाइल 2 2 कार्ड फिर से, ये पेज ऑफ सोर्ड्स और हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। कई लोग ऐसा है कि पाइल नंबर 1 भी देखकर पाइल नंबर 2 में आए हैं। 10 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 में बहुत सारे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2 में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर के इकलौते ब्रेड अर्नर है, यानी घर की इकलौते वो पर्सन है जिसपे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं घर की, और ये वो पर्सन मतलब पाइल नंबर 2 वाले के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं अपने फैमिली की, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल जॉब ढूंढ रहे हैं ताकि ये अपने घर की सारी ज़रूरतें पूरा करें, मतलब बेसिकली इनको ऐसा लगता है कि ये ही घर के इकलौते कमाऊ सदस्य हैं, ठीक है, पाइल नंबर 2, और दिखाई भी दे रहा है कि काफ़ी डिपेंडेंट आप पे लोग हैं, ठीक है, बहुत उम्मीदें हैं आपसे पाइल नंबर 2 से कि आप कुछ घर के हालात बदलने में आप थोड़ा हेल्प करेंगे, ठीक है। एक कार्ड आया है, एस ऑफ सोर्ड्स, तो पाइल नंबर 2 क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे और एस ऑफ सोर्ड्स भी है, तो डेफिनेटली आपका जो इंतज़ार का फल है अब तक जितना आपने वेट किया है तो उसका बहुत अच्छा आउटकम आ रहा है, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है यहाँ पे, ठीक है, और जो कि आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स पाइल नंबर 1 में भी आया था, यहाँ पर भी आया है, ठीक है। नेगेटिविटी को थोड़ा रिलीज़ कीजिए, ठीक है, पाइल नंबर 2 वाले बहुत ज़्यादा इन पे नेगेटिविटी बहुत हावी हो रही है कि कुछ हो तो रहा है नहीं, कुछ हो तो रहा है नहीं, तो इस चीज़ से बाहर आइए क्योंकि कुछ हो रहा है, फाइनली कुछ हो रहा है, ठीक है। एनर्जीज ऐसी रहेगी तो थोड़ा उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है,
पॉजिटिव बने रहें। डेफिनेटली आपकी तरफ कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, और जो वाकई में आपको बहुत स्टेबल बनाएंगे जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। पता नहीं गवर्नमेंट जॉब जो लोग यहाँ पे पाइल नंबर 2 वाले देख रहे हैं, पाइल नंबर 2 में क्रिएटिविटी का कुछ नहीं है। पाइल नंबर 2 में बहुत सारे लोग सब जॉब वाले लोग हैं जो प्रैक्टिकल सोचते हैं, वही 9 to 6 वाली जॉब हो, बस अपना 8 hours 9 hours का शिफ्ट हो, घर आए खाए पिए और एक अच्छी सी जॉब हो, अच्छा घर हो, घर वालों की अच्छे से ज़रूरतें पूरी हों, ऐसा। किंग ऑफ कप्स स्ट्रेंथ, यहाँ पे आया है स्ट्रेंथ का कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 1 भी ज़रूर देखिएगा, कुछ ना कुछ हो सकता है आपसे मैच हो वहाँ पे भी, लेकिन पाइल नंबर 2 वाले प्लीज़ थोड़ा अपने अपने वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो है, आप लोगों को अगर कोई जॉब मिलती है तो वहाँ पे आप अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से जो है आपकी रेपुटेशन पे थोड़ा आँच आए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ना ग्राउंडेड रहना की आवश्यकता है। ज़्यादा अहंकार और ज़्यादा गुरूर जो है वो ना शो करें, ठीक है, गाइडेंस के तौर पे आ रखा है ये। बाकी देखते हैं पाइल नंबर 2 वाले, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ओवर एटीट्यूड अपना ना दिखाएं कहीं पे। देखिए किसी और की अगर आप, हमको जॉब, अगर जॉब ही अगर करनी है तो आपको किसी के अंडर आप जॉब करेंगे तो किसी के अंडर ही जब काम करना है तो इतना एटीट्यूड का क्या ही मतलब है। पता नहीं ये किसके लिए था स्पेसिफिक, हमें ऐसा लगा, बट सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, बट किसी के लिए था ये, जो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उसमें रहता हो, अलग ही जोन में अपने एटीट्यूड में। तो बॉस ही होता है ना, तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की तरह ही रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कार्ड्स में हमको ऐसा फील हो रहा है, किसी की एनर्जीज ऐसी हैं। पाइल नंबर 2, एक लास्ट कार्ड सी, बहुत डेविल का कार्ड है, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा ओवर एटीट्यूड, ओवर कॉन्फिडेंस, अपना हर बात पे अपना चलाना। देखिए किसी के अंडर काम करेंगे तो फिर तो उनकी ही सुननी पड़ती है, अगर नौकरी करनी है तो नौकरों मालिक की तो सुननी पड़ेगी ना, नौकरी होती है। तो ऐसा कुछ पता नहीं किसके लिए आ रहा है, बट समवेयर ऐसा हमको इंट्यूशन में आ रहा है। फूल का कार्ड है यहाँ पे, ओवरऑल पूरा अगर देखा जाए, एस ऑफ सोर्ड्स भी है, तो डेफिनेटली आप लोगों की तरफ कुछ तो आ रहा है, ठीक है। पाइल नंबर 2, आप लोगों की तरफ कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके करियर से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, और जिस रिज़ल्ट वगैरह का अगर आपने कोई एंट्रेंस वगैरह दिया है, अगर आप उसका वेट कर रहे हैं तो वो भी बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है, और आपके फेवर में ही आ रहा है रिज़ल्ट, ठीक है। बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं आप, वो दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे, 5 of Swords, तो आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि इतना ज़्यादा ओवर थिंक ना करें, ठीक है, और इतना सर पे इतना बर्डन मत लें, इतना टेंशन मत लें, और आपको गो विद द फ्लो जाने की आवश्यकता है। जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है तो उसको राइट टाइम पे, राइट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको जो भी आपको ये जॉब अभी आएगी ये आपको काफ़ी स्टेबल बनाएगी, आपको पूरी तरीके से स्टेबिलिटी प्रदान करेगी ये जॉब जो भी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे जॉब ही है, क्रिएटिविटी के फील्ड से रिलेटेड कोई यहाँ पे वर्क नहीं दिखाई दिया है, और प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों जॉब्स यहाँ पे पाइल 2 वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमें क्या दिखाई दे रहा है,
पाइल नंबर वन में जैसा था कि लोकेशन चेंज होने के भी आसार थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पाइल टू में आप लोग जहाँ पर हैं वहीं पर ही आपको जो है अच्छी जॉब मिल जाएगी। आप लोग अपने लोकेशन पे रह के ही जॉब कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ग्राउंडेड होने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा अपना माइंड बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हैं हर चीज़ में। तो देखिए इतना अपने आप को थोड़ा ग्राउंडेड रखें, ठीक है, आपके लिए अच्छा है अगर आप किसी के अंडर काम करते हैं, जॉब करते हैं तो। और यहाँ पर बिजनेस वाले लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनका खुद का बिजनेस है, वो अगर कुछ आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपकी तरफ शायद कोई रिसोर्सेज या आपको जो इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है कोई मनी रिलेटेड, तो उसके लिए भी शायद आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिससे कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, ठीक है। फूल का कार्ड है यहाँ पे, आप अपने बिजनेस को स्टार्ट, देखिए ज़्यादा सोचिए मत, यहाँ पर जो ये कार्ड आया है फाइव ऑफ सोर्ड्स, ज़्यादा सोचिएगा मत, जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसको राइट टाइम पे ग्रैब करने का भी आप में इतना हौसला होना चाहिए, ठीक है। गॉड से कनेक्ट कीजिएगा, डिवाइन से कनेक्ट कीजिएगा, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बाकी ओवरऑल एनर्जीज ठीक हैं, तो पाइल नंबर टू वाले कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लोगों की तरफ तो कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है और प्लीज़ उसका भरपूर अच्छे से फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। और गाइडेंस आपके लिए यही है कि थोड़ा ग्राउंडेड रहिएगा, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर थिंकिंग में या ज़्यादा एटीट्यूड में जो है चीज़ों को ख़राब मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये थी करियर रीडिंग, आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, जितनी भी गाइडेंस आपको मिली हो जो हमारी तरफ, हमने जो आपको बताया है, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे, ठीक है, उसके बाद हम आपको रीच आउट करेंगे। और 23 अगस्त तक जो 2999 वाली रीडिंग है वो 2323 में अवेलेबल है, तो आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, ठीक है, फुल रीडिंग। और तो अपना ख्याल रखिएगा, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, और खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, ठीक है। तो अभी के लिए हम चलते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितनी आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई है, पाइल नंबर वन और पाइल टू, ठीक है। जल्द प्रकट होंगे हम एक नए किसी वीडियो के साथ, ठीक है, ब्लॉगिंग भी हो सकता है और ये क्या कहते हैं टैरो रीडिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।